अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू कानून बोलता है विद बैरिस्टर फातिमा शाहीन। नाज़रीन, ऑन पॉपुलर डिमांड अपने आज के शो में हम बात करेंगे डाइवोर्स के हवाले से। हम आपको बताएंगे कि जब हम डाइवोर्स की बात करते हैं तो मुख्तलिफ कौन से तरीके कार एग्जिस्ट करते हैं टू डिजॉल्व अ मैरिज, चाहे वो तलाक का नोशन हो, चाहे वो खुला का नोशन हो, चाहे वो अदालती खुला का नोशन हो, फॉर दैट मैटर तलाक के तफ्वीज़ का राइट जो खवातीन को दिया जाता है अगर वो उसको अवेल करें निकाह नामा पे। सो ये सारी बेसिक मिसकंसेप्शन जो एग्जिस्ट करती हैं डाइवोर्स लॉज के हवाले से हमारी आज के शो में कोशिश होगी कि हम इनको जो है क्लैरिफाई करें। इसके अलावा प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में हमेशा की तरह हमारी कोशिश रही है कि जो भी हमें मुख्तलिफ सवाल आ रहे हैं, जो भी मुख्तलिफ क्वेश्चन आ रहे हैं, उनको हम एड्रेस करें। तो अपने आज के शो में भी अपनी ये कोशिश हम बरकरार रहेंगे। इसलिए फॉर दोज पीपल हु लॉग्ड इन टू द शो राइट नाउ, आई जस्ट वॉन्ट टू रिमाइंड दैम कि अगर आपका कोई सभी सवाल है जिसपे आप हमारी कानूनी रहनुमाई लेना चाहते हैं तो फील फ्री टू राइट इन। लेकिन आज के प्रोग्राम का आगाज करते हैं, अपने आज के जो हमारे गेस्ट हैं उनसे आपका मैं तारुफ करा देती हूँ। हमारे आज के गेस्ट हैं बैरिस्टर अरसलान अख्तर साहब जो कि एडवोकेट हाई कोर्ट के। सलामकुम सर, वेलकम टू द शो। जी, इस तरह मैंने बेसिकली इंट्रोडक्शन में अपने कहा सर कि मतलब एक नहीं मुख्तलिफ तरीके कार होते हैं शादी को रिजॉल्व करने के हवाले से, लेकिन आमतौर पर लोगों को यू नो ये लगता है कि सिर्फ तलाक इज द मोस्ट कॉमन मोस्ट पॉपुलर वे। तो आप जरा थोड़ा सा लोगों को बताएं कि तलाक के अलावा और क्या तरीके कार हैं यू नो जिससे शादी का मायदा खत्म हो सकता है। मैरिज इज बेसिकली अ सिविल कॉन्ट्रैक्ट दो लोगों के बीच में। अब अगर इसको डिसॉल्व करना है तो उसका ऑब्वियसली लॉ एग्जिस्ट करता है। हमारा यहाँ अप्लीकेबल लॉ जो है वो मुस्लिम फैमिली लॉ ऑर्डिनेंस 1961 है, राइट। उसके अंदर बेसिक जो यूनिलैटरल राइट एग्जिस्ट करता है वो मर्द के पास एग्जिस्ट करता है कि वो कभी भी किसी भी वजह से डिवोर्स दे सकता है, बिल्कुल, जिसको हम तलाक बोलते हैं। बिल्कुल, और उसका प्रोसीजर फॉलो करना पड़ता है कि एक तो मर्द के पास इख्तियार होता है, दूसरा इख्तियार होता है खातून के पास। वो इख्तियार बेसिकली खुला का है जिसको हम जुडिशियल डिवोर्स भी बोलते हैं, उसको खुला भी बोलते हैं। उसके लिए खातून को अदालत जाना पड़ता है और उधर जाकर पिटिशन फाइल करनी पड़ती है, हस्बैंड को रिस्पोंडेंट बनाना पड़ता है और बताना पड़ता है। ही जस्ट हैज टू से या एक्सप्रेस कि जी मैं इन लिमिट्स में जो अल्लाह ताला ने प्रिस्क्राइब की हैं इनमें अपने हस्बैंड के साथ नहीं रह सकती। ओथ पे उसकी स्टेटमेंट रिकॉर्ड होती है और उसके बाद जज इज बाउंड टू ग्रांट दैट डिक्री। आपने बड़ा अच्छा इस तरीके से लोगों को समझाया, लेकिन थोड़ा सा और एक्सप्लेन करें इस बात को कि उसको कुछ प्रूफ करना पड़ेगा कि ये मुझे मार पीट रहा है या मुझे खर्चा नहीं दे रहा, या सिर्फ उसका ये महज कहना ही नेट सेल्फ इनफ होगा कि बस मैं अल्लाह ताला की बताई हुई हदूद के अंदर इस शख्स के साथ नहीं घर बसा। देखिए, अगर तो प्रूफ करना है उसकी जरूरत नहीं है उस हद तक जाने की, बिकॉज उससे पहले ही अगर ऐसा होता भी है, मेरी अपनी जाती राय है कि आपको इस हद तक कोर्ट में जाके अपनी, बिकॉज डिग्निटी भी इन्वॉल्व होती है, रेपुटेशन भी इन्वॉल्व होती है, अगर आपका काम सिर्फ इस बात से हो जाता है कि यू हैव डेवलप्ड हेट्रेड और अवर्जन टुवर्ड्स योर हस्बैंड, दैट शुड बी सफिशिएंट। जज इज बाउंड टू ग्रांट दैट डिक्री। आपको रिकंसिलिएशन के लिए जज साहब टाइम देते हैं। मैंने अपने करियर में बहुत सी डिवोर्सेज कराई हैं, उसमें भी यही होता है कि जज आपको एक अपॉर्चुनिटी देता है कि अगर रिकंसिलिएशन हो सकती है तो रिकंसिलिएशन, अगर नहीं तो जज इज बाउंड टू ग्रांट दैट डिक्री। रिकंसिलिएशन जिसको हम कहते हैं, इतना होता भी है कि आपस में जो है जज इज सक्सेसफुल इन एक्चुअली यू नो मेकिंग श्योर कि रिकंसिलिएशन। बिल्कुल, देखें, बिल्कुल, जब खातून अदालत से रजू करती है कई दफा कुछ ऐसी चीजें सामने आती हैं, कई दफा हस्बैंड को लगता है कि शायद मेरे से ज्यादा हो गई है, जब तीसरा बंदा इन्वॉल्व होता है तो शायद देयर इज अ पॉसिबिलिटी, एक एटलीस्ट प्रोबेबिलिटी या पॉसिबिलिटी एग्जिस्ट करती है कि रिकंसिलिएशन बेस्ट थिंग। बिल्कुल। अच्छा, आपने एक और चीज का हवाला दिया जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है नाज़रीन के लिए। आपने कहा जुडिशियल डाइवोर्स, अदालती खुला। अच्छा, अदालती खुला जो है उसको बहुत सारे लोग कंफ्यूज करते हैं आम नॉर्मल प्रोसीजर में जिसको हम कहते हैं खुला जो खवातीन देती हैं, तो इनमें बेसिक फर्क क्या है? देखिए, बेसिकली देखा जाए तो जो खुला ली जाती है ये एक राइट एग्जिस्ट करता है अंडर द इस्लामिक लॉ। इसकी कोई स्पेसिफिक प्रोविजन लॉ में प्रोवाइडेड नहीं है, बट क्योंकि बहुत से लोग उसको कुरान से भी रिलेट करते हैं, बिकॉज देयर इज अ सूरत इन द कुरान व्हिच आल्सो सेज कि अगर आप इकट्ठे नहीं रह सकते तो आप अलहदा हो सकते हैं। सो इट इज बेस्ड ऑन दैट प्रिंसिपल। बाकी हमारा डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज एक्ट है 1939, राइट। उसके अंदर बेसिकली ग्राउंड्स दिए हुए हैं, कोई 7-8 ग्राउंड्स हैं, जिसमें फॉर एग्जाम्पल मैं एक दो ग्राउंड्स बता सकता हूँ इस वक्त, जिसमें है कि अगर किसी को इम्प्रिजनमेंट हो जाती है किसी के हस्बैंड को और वो 7 साल के लिए इम्प्रिजनमेंट में रहता है
उसके अलावा अगर वो अडल्ट्री कमिट करता है, कुछ इस तरह के ग्राउंड्स हैं जिसकी बेस पर आप फॉर्म दावत पे नहीं कर रहा या वो गायब मेंटेनेंस मेंटेनेंस भी एक ग्राउंड है कि आपको मेंटेन नहीं कर रहा, शेल्टर प्रोवाइड नहीं कर रहा, जो कि इसकी ऑब्लिगेशन है। मतलब वो डिफाइंड ग्राउंड है, डिफाइंड ग्राउंड है। अदालत में जाके खातून कह सकती है कि ये क्योंकि एक्स वाई जेड चीजें नहीं कर रहा तो मुझे इसकी बुनियाद पे से खुला। बिल्कुल ऐसी है, और वो बहुत से लोग इसलिए नहीं करते बिकॉज उसमें आपको प्रूफ करना पड़ता है कि मेंटेनेंस नहीं दे रहा, शहादत कराना पड़ेगी, मुश्किल हो जाता है और थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है। उससे ज्यादा आसान ये होता है कि सिर्फ आपको जाके कहना जी मैं इसके साथ नहीं रह सकती, आई हैव डेवलप्ड हेट्रेड टुवर्ड्स दिस पर्सन, और हम विद इन द लिमिट्स प्रिस्क्राइब्ड बाय अल्लाह नहीं रह सकते, और उसको और कुछ प्रूव करने की जरूरत नहीं है। और इसी बेसिस पे, इसी बेसिस पे लेकिन साहब इसमें आई थिंक बहुत इंपॉर्टेंट चीज ये कि हम ये भी लोगों को बताएं कि एक फायदा जो होता है डीएमएमए के अंदर जो है तलाक लेने का, वो ये होता है कि वो अपना हक महर रख सकती है, खुला के केसेज में उसको अपना हक महर वापस देना पड़ता है। तो आई थिंक एक बार क्वालिटेटिव डिसीजन है जो खवातीन को बड़ा सोच समझ के लेना चाहिए कि वो किस कानून के अंदर जो है अपने शादी के वायदे को खत्म करना चाहिए। आई थिंक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, आई वॉज अबाउट टू कम टू दैट, कि जो खुला जब आप लेते हैं तो हमारा लॉ भी प्रोवाइड करता है, वेस्ट पाकिस्तान फैमिली कोर्ट्स एक्ट है, उसका सेक्शन 10 है जो प्री ट्रायल को से रिलेटेड है जी। उसमें ये बात लिखी हुई है कि जब खातून खुला लेगी तो शी वुड बी बाउंड टू गिव अप हर डावर, फॉरगो करेगी। अगर तो डावर वो ले चुकी है तो वो उसको वापस करना पड़ेगा, अगर डावर डिफर्ड है जो कि अभी मिलना है उसको तो वो उसको फॉरगो करेगी। लेकिन एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, देयर इज अ वेरी रीसेंट जजमेंट बाय द लाहौर हाई कोर्ट, अच्छा मिस्टर शम्स महमूद मिर्जा साहब ने जजमेंट आई थिंक दी है, आई हैव गॉन थ्रू दैट जजमेंट। उसके अंदर उन्होंने बड़ी अच्छी बात की औरतों के लिहाज से कि जरूरी नहीं है कि सारा डावर वापस करना पड़ेगा, वो फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसिस पे डिपेंड करता है। इफ शी इज इन डायर नीड ऑफ मनी और उसका इतना ज्यादा कसूर भी नहीं है तो ये कंसिडरेशन कोर्ट देखेगी, और उसमें नहीं करना पड़ेगा। उसमें 50% भी हो सकता है, 25% भी हो सकता है, डिपेंड्स केस टू केस पे भी करता है। ये तो बड़ी अच्छी चीज है जो आपने बताई लोगों की आगाही के लिए। दिस इज वेरी लेकिन मैं चाहूंगी अब मतलब जेंडर तो हमने कंपैरिजन कर दिया, आखिरी जो टाइप ऑफ यू नो मोड रह गया तलाक की तफसील। जी बिल्कुल, देखें क्लॉज 18 ऑफ द निकाहनामा, उसके अंदर बेसिकली राइट होता है अगर हस्बैंड देना चाहे तो। वैसे जैसे मैंने कहा शुरू में कि क्योंकि इट्स अ कॉन्ट्रैक्ट मैरिज, हस्बैंड भी साइन करता है, वाइफ भी साइन करती है, दो विटनेसेस बड़ी, वो सारा एक प्रॉपर कॉन्ट्रैक्ट है जो इस्लामिक लॉ के तहत रिकग्नाइज। उसमें तलाके तफवीज का कॉन्सेप्ट यह है कि क्लॉज 18 के तहत जब खातून को ये राइट दिया जाता है तो वो उसको हम बोलते हैं डेलीगेटेड राइट ऑफ डिवोर्स। वो खातून को अगर राइट दिया गया है तो वो ऐसा है जैसे शी कैन एक्सरसाइज दैट राइट एज इफ दी हस्बैंड इज डिवोर्सिंग हर, मतलब जैसे शोहर कर सकता है वैसे बिल्कुल बिल्कुल कोई तरीके का बिल्कुल वो होगा यही, वो ये नहीं होगा कि उसने अपने आप को डिवोर्स कर लिया, हालांकि नोटिस या नोटिस ऑफ डिवोर्स या तलाक वो ही करेगी, बट वो ही लिखेगी, अगर ओरल है तो वो ओरली एक्सप्रेस करेगी, बट उसको लॉ में यही समझा जाएगा जैसे हस्बैंड ने डिवोर्स दिया, बिकॉज वी कॉल इट डेडिकेटेड राइट ऑफ डिवोर्स। सो हस्बैंड डेडिकेटेड, एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि ये बिल्कुल उसी तरह है जैसे हस्बैंड ने डिवोर्स दी, बिल्कुल। सो सारा वो हक महर वाला कॉन्सेप्ट और वो सारा इंटैक्ट रहता है, इसमें इसको अपना वापस नहीं करना पड़ता। और सबसे इंपॉर्टेंट बात है अदालत भी नहीं जाना पड़ता, अदालत बिल्कुल नहीं जाना पड़ता। लेकिन आप ये देखेंगे कि बहुत कम ऐसे निकाह नामाज अगर आप उठा के देखें जितने भी एग्जीक्यूट होते हैं, उसमें बहुत कम निकाहनामे होते हैं जिसमें क्लॉज 18 पे। अच्छा आजकल तो मुझे लगता है भाई साहब ट्रेंड बड़े चेंज कर गए, अब तो हर किसी सीरीज को देखो। बिल्कुल, मैं तो देखेंगे मेजोरिटी मैसेज की बात कर रहा हूँ, शायद लाहौर में ऐसा ट्रेंड होगा, बट ओवरऑल अगर आप रूरल एरियाज में, जी बिल्कुल, अगर आप मैसेज में जाएंगे तो बहुत सी दफा ऐसा होता है कि आपके सामने निकाहनामा आया होता है, जस्ट हैव टू साइन और वो ऑलरेडी कट किया होता है, उसको पहले से कट किया। अच्छा एक बड़ी इसमें इंपॉर्टेंट बात है क्लॉज 18 में कि आपको वो कंटिंजेंट हो सकता है, मतलब इट कैन बी बेस्ड ऑन समथिंग कि अगर ऐसा हुआ तो इसको यह फॉर एग्जाम्पल उसमें हो सकता है कि अगर मुझे 2 महीने की मेंटेनेंस ना मिली तो फिर वो राइट अक्रू हो जाएगा, अदरवाइज दैट राइट कैन नॉट बी एक्सरसाइज। सो ऐसा भी देखने में आया है, अच्छा आप बता रहे ताकि लोगों को पता लगे उनके पास कानून के तहत इसमें क्या क्या ऑप्शन। इसमें देखें कोई हर्ज नहीं है ये राइट देने में, और कोई इस्लामिक चीज है बिल्कुल, ये भी बड़े लोगों को, लेकिन दोनों के पास राइट है। थोड़ा सा देखें हमें बैलेंस करना पड़ेगा यहाँ पर, थोड़ा सा सोसाइटी में आपको देखना पड़ता है कि बहुत ज्यादा डिवोर्सेस तो नहीं, कई दफा कहा जाता है कि औरतें इम्पल्सिव डिसीजन ले लेती हैं सही तरह, तो थोड़ा सा एक सोचने का टाइम मिल जाता है इस चीज में। लेकिन फिर जब बात आती है उस पर भी हमारे पास सोचने का टाइम फिर भी होता है, बिकॉज जब आप तलाक देते हैं तो जो
کانسیپٹ ہے طلاق احسن کا، حسن کا اور پھر طلاق بدت کا، تو احسن اور حسن اگر طلاق میں ہم جائیں تو اس میں اگر ایک دفعہ پروناؤنس کر دیا جائے طلاق، تو پھر بھی جس نے بھی طلاق پروناؤنس کی ہو، اگر رائٹ ہے تو خاتون کرتی ہے، اگر نہیں ہسبینڈ بھی اگر کرتا ہے تو ان کے پاس یہ ایک آپشن ایگزسٹ کرتی ہے ریکنسیلیشن کی. بالکل. اگر جلد بازی میں فوراً نہیں ہوتا، مطلب ایک کے بعد ایک مہینے میں ایک دفعہ ہونا ہوتا ہے، بالکل مل جاتا. اچھا موونگ آن میں چاہوں گی ہم ڈفرنٹ پارٹس آف دس ٹاپک کو بھی ایڈریس کریں. جنرلی دیکھیں ہم جس طرح باہر کے ممالک میں دیکھتے ہیں جب ایک طلاق افیکٹ ہوتی ہے تو عام طور پہ جو ہے پراپرٹی ایسٹس جو ہوتے ہیں وہ ہاف اینڈ ہاف ڈیوائڈ ہو جاتے ہیں، بڑا آسان ہو جاتا ہے. اس وقت جو لا ایگزسٹ کرتا ہے وہ تو یہ ہے کہ یو ہیو ٹو مینٹین یور وائف، جب تک آپ کی بیوی آپ کے ساتھ رہی ہے تب تک آپ نے مینٹیننس کو مینٹین کرنا ہے، اور اس کے بعد عدت کے پیریڈ تک آپ کے اوپر یو آر ڈیوٹی باؤنڈ، یو آر انڈر دی لا ریکوائرڈ ٹو مینٹین یور وائف فار 3 months ایٹ لیسٹ، جب تک عدت پوری نہیں ہو جاتی. اس کے بعد ہسبینڈ کی کوئی ڈیوٹی نہیں، کوئی ویسے کرنا چاہیے. کئی دفعہ آپ کا ریلیشن شپ دونوں اس اتفاق پر آتے ہیں کہ جی ہم نہیں رہ سکتے، لیکن ریلیشن شپ اس طرح کا رہا ہوا ہے کہ ایک دوسرے کے لیے ٹھیک کیا ہوا ہے. تو آئی ہیو آلسو سین ایگزامپل جہاں پر لوگ سپورٹ کر رہے ہیں. اور باہر بھی جو ایلیمنی کا کانسیپٹ ہے وہ کانسیپٹ بھی بیسکلی یا تو پارٹیز آپس میں ڈیسائیڈ کر دیتی ہیں یا پری نپچرل اگریمنٹ ہو جاتا ہے، یا جب عدالت میں بھی جاتی ہے بات تو اس میں بھی دیکھا جاتا ہے. کیونکہ دیکھیں بڑی انٹرسٹنگ بات ہے، کئی دفعہ خاتون کو یا ان سم ریئر کیسز بندوں کو اپنی کریئر اپرچونیٹیز گیو اوے کرنی پڑتی ہیں، گیو اپ کرنی پڑتی ہیں ٹو میک ا فیملی. خواتین کو زیادہ ریئرلی میں نے اس لیے مت بولا، لیکن موسٹلی وہ اپنی کریئر اپرچونیٹیز گیو اپ کرتی ہیں کیونکہ فیملی سنبھالنی ہے، بچے سنبھالنے ہیں، گھر سنبھالنا ہے. تو باہر اس چیز کو کنسیڈر کیا جاتا ہے کہ اس نے اگر اپنی کریئر گیو اپ کیا اور اپرچونیٹی گیو اپ کیا اس کو ایڈجسٹ کرنا چاہیے، وہ چیز کنسیڈر کی جاتی ہے. اٹ از ون آف دا فیکٹرز ان ڈیسائیڈنگ ایلیمنی. دوسری بات، ان کیسز میں جہاں پہ خواتین اور شانہ بشانہ ساری زندگی، جیسا میں نے بہت زیادہ اس طرح کے گھرانے دیکھے جہاں پہ وہ ساتھ کام کرتی ہیں، تو ان کی بھی پراپرٹی میں اتنا ہی یو نو انٹرسٹ ہوتا ہے جتنا کہ ان کے کاؤنٹر پارٹ شوہر کا ہوتا ہے. پھر ڈائیورس کے ٹائم جسٹ بیکاز وہ شوہر کے نام پر ہے، وائی شوڈ ہی گیٹ اٹ؟ آپ کی بات صحیح ہے، اس بات سے میں اتفاق کرتا ہوں. اور ویسٹ میں دیکھیں یہ کانسیپٹ ایگزسٹ کر رہا ہے، بہت دیر سے کر رہا ہے. اور جیسے میں نے بتایا کہ ون آف دا فیکٹرز ہے جو آپ بات کر رہی ہیں کہ اٹ از ٹیکن ان ٹو اکاؤنٹ. دوسری چیز جو دیکھی جاتی ہے وہ یہ دیکھی جاتی ہے کہ آپ کے پاس خود کتنا ہے. کئی دفعہ آپ ان سرکمسٹانسز میں ہوتے ہیں کہ یو کین ہینڈل ویری ویل آن یور اون، اور آپ اپنا کام بھی کر رہے ہیں یا پیچھے سے فیملی بھی سپورٹیو اینڈ آل، تو اس میں ایلیمنی ریڈیوس بھی ہو جاتی ہے. جو آپ کی بات ہے آئی تھنک دیٹ از ٹوورڈز دا ریفارمز، کہ ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ صرف کیا اس کو 3 مہینے تک ہم لمٹ کریں یا ہم اس کو فردر ایکسٹینڈ کر سکتے ہیں کیپنگ ان مائنڈ دا سرکمسٹانسز آف دا وائف، اسپیشلی کنسیڈرنگ کہ اس نے آپ نے مطلب شادی کے دوران، شادی کی سبسسٹنس کے دوران کس طرح سے یو نو کام کیا، کتنا فائنینشلی کنٹریبیوٹ کیا ٹو دا میرج اٹسیلف. اچھا اس کے علاوہ میں چاہوں گی بیکاز مائنورٹیز کے حوالے سے بھی کچھ قوانین پاس ہوئے ہیں کئی سالوں میں، کنسیڈرنگ کہ فیملی لا جو ہے میرج پر سے پروونشل سبجیکٹ ناؤ، تو آپ مجھے بتائیں کہ مطلب ہندو کمیونٹی کے حوالے سے پاکستان میں، سکھ کمیونٹی کے حوالے سے، کرسچنس کے حوالے سے کیا قانون سازی کی گئی؟ لیکن جیسے تو میں نے آپ کو ذکر کیا کہ جو مسلم فیملی لا ہے وہ گورن کرتا ہے ٹو ایوری پاکستانی سٹیزن، مسلم پاکستانی سٹیزن ویئر ایور دے مے بی ان دا ورلڈ. یہ سیکشن 1 کے اندر لکھا ہوا ہے، اگر باہر بھی ہیں تو بھی فوری. اور اہم خبر سے ہم آپ کو یہاں پر آگاہ کر رہے ہیں، وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی سے وزارت خارجہ میں عافیہ صدیقی کی بہن ڈاکٹر فوجہ صدیقی کی ملاقات ہوئی ہے. اس حوالے سے مزید اپڈیٹ لیتے ہیں اپنے نمائندے امجد علی سے. امجد علی، آگاہ کیجیے اس ملاقات کے حوالے سے، مزید کیا بات ہوئی ہے؟ جی، ڈاکٹر عافیہ صدیقی جو اس وقت امریکہ کی ایک جیل میں قید ہیں، ان کی بہن ڈاکٹر فوجہ صدیقی نے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی سے دفتر خارجہ میں ملاقات کی ہے. ملاقات میں وزیر خارجہ نے انہیں حکومت پاکستان کی جو ڈاکٹر عافیہ صدیقی کی رہائی کے حوالے سے کوششیں ہیں ان کوششوں سے آگاہ کیا ہے. اس کے علاوہ انہوں نے بتایا ہے کہ ہیوسٹن میں جو پاکستانی کونسلیٹ ہے ان کو ہدایات جاری کی گئی ہیں کہ ڈاکٹر عافیہ صدیقی کے جو انسانی حقوق ہیں، ان کی جو صحت ہے، ان کے جو دیگر حقوق ہیں، ان کے تحفظ کے لیے وہاں پر ہمارے پاکستان کے جو کونسل جنرل ہیں وہ ڈاکٹر عافیہ صدیقی سے باقاعدگی سے ملاقات کا اہتمام کریں. اس ملاقات میں ڈاکٹر عافیہ صدیقی کی رہائی سے متعلق بھی بات چیت کی ہے. جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ امجد علی، ہمیں اپڈیٹ آپ کر رہے تھے. نظر فوری خبر ہم اکثر شیئر کر رہے ہیں کہ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے وزارت خارجہ میں
डॉक्टर आफिया सिद्दीकी की बहन डॉक्टर फौजिया सिद्दीकी से मुलाकात की है। वजीर खारजा ने आफिया सिद्दीकी मामले में पेशरफ से आगाह किया है और उनकी बहन ने डॉक्टर आफिया से मुताल्लिक की जाने वाली कोशिशों को सराहा है और पाकिस्तान मुंतकली के हवाले से भी तबादला ख्याल किया गया है। ये थे हफ्ते की पीटीवी ताजा तरीन। क्योंकि एटलीस्ट प्रोटेक्शन तो मिले ना, अगर एक बंदा और बंदी खुश नहीं है आपस में तो आपके पास कोई राइट होना चाहिए। उन्होंने ग्राउंड फॉर डाइवोर्स इसमें बैरिस्टर साहब इंक्रीज कर दिए और कम से कम बिल्कुल शादी की एज की लिमिट में तो वैसे भी 18 साल जी 18 पर वो माइनॉरिटीज पे भी वैसे ही अप्लाई करती है जैसे अदरवाइज। जी बिल्कुल, ऐसे वैसे तो चाइल्ड रेस्टोरेंट एक्ट जो मैरिज का है उसमें 16 साल है लड़कों की 18 बिल्कुल, लेकिन सिन में दोनों की 18 यूनिफाइड है बिल्कुल। प्रोग्राम का जो दूसरा पार्ट है उसकी तरफ हम चले हैं, व्यूअर्स के मुख्तलिफ सवाल आए उनको भी हम एड्रेस करते हैं साथ साथ। अच्छा, एक ये बेसिकली खातून है जो चाहती हैं कि इनकी आइडेंटिटी डिक्लेयर ना हो इसलिए मैं इनकी आइडेंटिटी डिक्लेयर नहीं करूंगी। ये पूछना चाह रही हैं कि इनके शौहर जो हैं वो इनको बड़ा फिजिकली एंड मेंटली टॉर्चर करते हैं और इनको मेंटेनेंस भी पे नहीं करते, तो कानून में इनके पास रेमिडी क्या है? अच्छा, इसमें हमने बेसिकली एक जस्टिस साहब से कॉमेंट्स लिए हैं, इज एन एक्सपर्ट ऑन फैमिली लॉ, तो सुनते हैं उन्होंने क्या कहा, फिर आपकी तरफ वापस आएंगे। इस्लाम की रूह से हर एक खावन अपनी बीवी और बच्चों के किफालत का यानी उनको खर्चा देने का उनको मेंटेन करने का जिम्मेदार है, और अगर बीवी अमीर भी हो खावन से ज्यादा उसकी आमदनी भी हो फिर भी ये ड्यूटी खावन ही की है कि जो उस खानदान के उस बीवी के खावन के सोशल स्टेटस के मुताबिक उसका खर्चा होना चाहिए, रहन सहन होना चाहिए, उसके मुताबिक उसको मुनासिब खर्चा अदा करना चाहिए। राष्ट्रवाद एक टॉर्चर से करता है, तशद्दुद करता है, ये इस्लाम में कहीं इसकी गुंजाइश ही नहीं है कि कोई शख्स अपनी बीवी को पे तशद्दुद करे, टॉर्चर करे। ये तो हो गया इस्लाम की रूह से। जो हमारा मुरवजा कानून पाकिस्तान में भी है इसके रूह से, मतलब एक हमारा कानून है जो अंग्रेजों के जमाने का है जिसका नाम है डिसोल्यूशन ऑफ मुस्लिम मैरिजेस एक्ट 1939, उसमें ये दर्ज है कि अगर खावन अपनी बीवी को 2 साल से ज्यादा किफालत ना करे, उसको खर्चा ना दे, उसका पूरा जितनी उसकी जरूरतें हैं वो पूरी ना करे, तो वो बीवी काजी के पास जज के पास जा सकती है कि ये खावन मेरा मुझे गुजारा अलाउंस नहीं देता, मुझे खर्चा नहीं देता, मेरी किफालत नहीं करता सही तरह से, और वो उससे तलाक ले सकती है। रहा टॉर्चर का सवाल, हमारे मुरवजा कानून में भी इसी कानून में डिसोल्यूशन ऑफ मुस्लिम मैरिज एक्ट में यह दर्ज है कि अगर खावन अपनी बीवी पे तशद्दुद करे, मारपीट करे, तो इस बुनियाद पर भी बीवी उससे तलाक ले सकती है, बल्कि इस हद तक प्रोवाइडेड है वो लफ्ज इस्तेमाल है क्रुएल्टी, और क्रुएल्टी को अदालतों ने जजों ने इस तरह उसको एक्सप्लेन किया है, उसकी वजाहत की है कि क्रुएल्टी ये सिर्फ नहीं है कि आप जिस्मानी तौर पर उसको मारपीट करें, डंडा उठाएं और मारें, क्रुएल्टी ये भी है कि गाली गलौज देना भी क्रुएल्टी है, मिसबिहेव करना भी क्रुएल्टी है, डंडे मारना तो है ही क्रुएल्टी, लेकिन वो मिसबिहेव करना, गाली गलौज देना, ताने तंज, ये भी क्रुएल्टी में शामिल होता है, और इस क्रुएल्टी की बुनियाद पर भी बीवी अपने खावंद से तलाक हासिल कर सकती है, और उसके पास जाहिर उसको काजी के पास जाना पड़ेगा, जज के पास जाना पड़ेगा, बल्कि इस हद तक भी प्रोवाइडेड है और इस्लाम में भी है, हमारे कानून में भी है कि अगर बीवी ये जाकर कहे काजी को
कि मुझे अपने खावन से इतनी शदीद नफरत है कि मैं इसके साथ शरीयत के मुताबिक अपने दिन गुजार नहीं सकती, मैं बहन बीवी के इसके साथ नहीं रह सकती। इस बुनियाद पर भी काजी हमारा जज अगर ये बातें साबित हो जाएं तो उसको उनकी अदायगी कर सकता है, उसको तलाक मिल सकती है। जी बेसिकली आपने सर सुना, इन्होंने आई थिंक सारे अच्छी तरह से कॉम्प्रिहेंसिवली ऑप्शंस एक्सप्लेन कर दिए, लेकिन आई थिंक इन्होंने ये भी नहीं हमें बेसिकली बताया जो जिन्होंने हमसे क्वेश्चन पूछा कि ये बसाना चाहती है घर के नहीं बसाना चाहती। जी, बड़ा सवाल था, थोड़ा सा वेग था, और इसमें देखें ऑप्शन मैं इतफाक करता हूँ जो जज साहब ने कहा। जैसे हम पहले भी बात करते डिसोल्यूशन ऑफ मुस्लिम मैरिज एक्ट 1939 की, उसमें ये रीजन है, लेकिन आपको 2 साल मेंटेनेंस का वेट करने की जरूरत नहीं है। माय ओपिनियन, आप अगर खुला चाहते हैं और आपको लगता है कि आपको मेंटेन नहीं किया जा रहा, आपने कोशिश भी की कि कुछ बन जाए, कई दफा आप बड़ों को डालते हैं, और इन केस यू कम टू अ कंक्लूजन कि जी नहीं मेंटेनेंस मिल रही, तो यू कैन गो और आप ये देखे बगैर भी खुला ले सकते हैं। एक खातून है, इनका नाम है मिसेज अमारा, ये कहती है कि इन्होंने एक घर खरीदा था अपने शोहर के साथ, पैसे इन्होंने दिए थे लेकिन घर जो था वो शोहर के नाम पर है, और अब जो है इनका फॉल आउट हो गया है, इनकी तलाक हो गई है, तो अब ये चाह रही है कि समहाउ या तो इनको घर मिल जाए, उनके नाम ट्रांसफर हो जाए, या इनको प्रोसीड मिल जाए। शी वॉन्ट्स टू नो कि ऐसे केस में इनके क्या राइट्स हैं। आपसे लूंगी इस बात में मशवरा, लेकिन उससे पहले हम सुनते हैं कि जज साहब ने क्या कहा। मुख्तलिफ तरीके, एक तरीका तो यह है कि सुलह सफाई से, मतलब अगर फैमिली में, खावंद की फैमिली में, बीवी की फैमिली में कुछ मोतबर लोग हैं, शरीफ लोग हैं, जानदार लोग हैं, उनको पता है कि हाँ ये बीवी ने पैसे दिए हैं, खावंद ने ये घर खरीदा है, बीवी के नाम नहीं करता, अब उसको करना चाहिए, तो ऐसा एक वफर 2-3-4 बंदे खावंद के पास जाए, उसे कहें ये पैसा आपकी बीवी का, उसे खर्च किया, शरीयत और कानून के मुताबिक ये इसी का बनता है, इसके नाम पर कागजों पर वापस कर दें। मानता है फदेहा, अगर नहीं मानता है तो फिर बीवी को यह हक पहुंचता है कि वो अदालत में जाए, अदालत में केस कर सकती है अपने खावंद के खिलाफ, लेकिन उसको साबित ही करना पड़ेगा ये पैसा इस घर में जो खर्च हुआ है खरीदने में, ये उस बीवी ने सारा अदा किया हुआ है, तो जाहिर बीवी को ये बताना भी पड़ेगा अदालत में उसके पास वो पैसे कहाँ से आए हैं, क्या आपने माँ बाप से लिए या वैसे उसके जरिए आमदनी होता है। ऐसा भी है कि बीवी आमदनी उसकी है, वो जॉब करती है, कुछ करती है, उसके पास पैसे हैं, लेकिन उसको अदालत में ये भी साबित करना पड़ेगा कि ये इस मकान पर जितना खर्चा हुआ है ये सारा उसने दिया हुआ है, और उसके पास ये पैसे इतने थे या उसने लिए थे या बाप से लिए, किसी भाई से लिए, किससे लिए हैं, उसका सबूत भी उसको देना पड़ेगा। अगर वो साबित कर सके कि इस मकान के खरीदने में सारा खर्चा या मकान के जितने उस जिसे खरीदा गया सारे पैसे उस बीवी ने दिए हैं, खावंद ने नहीं दिए हैं, तो वो खावंद से अदालत के जरिए वो मकान अपने नाम करवा सकती है। जी बेसिकली आई थिंक जज साहब ने बेसिकली बताया कि किस तरह से हाउ शी कैन गो अबाउट इट, लेकिन आई थिंक कुछ चीजें इसमें मजीद ऐड कर सकते हैं कि किस तरह से वो अपना क्लेम अदालत में लेके जा सकती है। देखिए इसको हम बोलते हैं जब आपके पैसे, आपने कोई चीज खरीदी हो और किसी के नाम कर दी हो, इस ट्रांजैक्शन को हम बोलते हैं बेनामी ट्रांजैक्शन। बिल्कुल जी। इस केस में जो आपने अभी सूरत हाल बताई, इसमें जो इनके हस्बैंड हैं, इनके मुताबिक के पैसे इन्होंने दिए थे और नाम उनके है और अब फॉल आउट हो गया, तो अब शी वांट्स हर हाउस बैक, जो भी घर, लेकिन पहले इनको प्रूफ करना पड़ेगा, डिक्लेरेशन लेनी पड़ेगी कि इन्हीं का घर है, फिर ही प्रोसीड्स मिलेगी, उससे पहले तो प्रोसीड्स नहीं मिलेंगी अगर इनकी आपस में सेटलमेंट नहीं होती। तो किस तरह कर सकती है इसमें? देखिए जैसे मैं आपको बता रहा था कि इसमें इनके हस्बैंड इनके मुताबिक बेनामीदार हैं, जिसको हम ओस्टेंसिबल ओनर कहते हैं, ये खुद कहती है कि मैं रियल मालिक हूँ। शी विल हैव टू गो टू कोर्ट, सिविल कोर्ट, डिक्लेरेशन सीक करनी पड़ेगी कि ये एक बेनामी ट्रांजैक्शन थी, मैं इसकी असल मालिक हूँ, और ये उनको प्रूव करना पड़ेगा। जी बिल्कुल, प्रोग्राम का टाइम खत्म हो गया, बहुत शुक्रिया आपकी तशरीफ आवरी का साथ। अब जी नाज़रीन, आपने आज का हमारा शो देखा जिसमें हमने बेसिकली बात की डाइवोर्स लॉस के हवाले से, जिस तरह के मेरे गेस्ट ने बिल्कुल सही कहा और मैं इनकी बात को रिट्रेट करूंगी कि डाइवोर्स को हमेशा एक लास्ट ऑप्शन रखें, अगर आप उसको परसू भी करते हैं तो रिस्पेक्टफुली करें, कानून के दायरे में रहते हुए करें, और याद रखें कि डाइवोर्स का सबसे ज्यादा इफेक्ट जो है कपल्स देमसेल्व्स से तो होता ही है लेकिन बच्चों पर भी होता है, तो ये भी एक बड़ी इंपॉर्टेंट कंसिडरेशन है जिसको आप ड्यू कंसिडरेशन दें एट द टाइम ऑफ इफेक्टिंग अ डाइवोर्स। इसी नोट पर और
और इसी मैसेज के साथ आज के लिए अपनी मेजबान फातिमा शाहीन को इजाजत दें। अगले हफ्ते फिर हाजिर होंगे एक नए शो के साथ। तब तक भी अपना बहुत सारा ख्याल रखें। खुदा हाफिज़।